वेलकम टेक वेडो ग्रुप। मैं आपका विकास, आपको नया चैनल स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज आपकी नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम की, जो आपकी क्लास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क बेसिक M1R5 की। जो भी न्यू स्टूडेंट है, ओल्ड वाले दोनों के लिए हेल्पफुल है क्लासेस, क्योंकि दोनों में ही आपका लगभग सेम सिलेबस है। इसमें से कुछ सिलेबस जो आपका डिफरेंट है, तो इसकी क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में अभी हम कुछ गैप छोड़ रहे हैं यहाँ पे, जो आपका अभी हमने लास्ट में आपकी क्लास खत्म की थी स्प्रेड शीट की। अब इसमें कुछ चैप्टर बचे हुए थे, ये जो मैं बता दूंगा आपको, और उसके बाद प्रेजेंटेशन आपका बचा हुआ है, उसके बाद ये इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट बचा हुआ है, इसको मैंने हटा के अभी हमें आपकी स्टार्ट करना है ई मेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है आपका, तो आपका ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, बिल्कुल आपके थ्योरी बताना चाहिए। आप ये सारी चीजें बेसिकली यूज करते हैं, जी मेल हो गया, ई कॉमर्स हो गया यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया आपका, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई आप, जैसे फेसबुक, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आप यूज करते हैं। क्या आपको इनके बारे में पता भी है कि किस प्रकार से काम करती हैं और क्या होती हैं? तो वही चीजें हैं, सब लोग यूज करते हैं, सबको पता है डेली बेसिस पे। तो वही चीज आपको इसमें लिख देनी है। अगर इसका क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जाहिर सी बात है इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करा करें और कमेंट किया करें। अब जो भी आपके डाउट है या कुछ नया आपको जानकारी है, और वीडियो को शेयर कर दें जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि वीडियो सबके तक पहुंच जाए, जो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहे हैं इस समय। और पीडीएफ नोट जिसके मैंने अवेलेबल करा दिए हैं, 400 रुपये जिसकी कॉस्ट है, इसमें आपको वीडियो और विद आपकी थ्योरी आपको मिल जाएगी। तो ये पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, इसमें आपका पूरा चैप्टर डाल दिया मैंने, ई मेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस का, यहाँ पर पूरा चैप्टर अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से हैं, और रिजल्ट वगैरह जो है आपके भी लेट आएंगे आपके, तो हो सकता है एग्जाम भी आपके लेट हो। तो अभी आप वेट कर लें, जब तक आप तैयारी कंटिन्यू करते रहें, जो भी ओल्ड हैं या न्यू स्टूडेंट के हैं, तैयारी अपने करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, आपको समय भरपूर मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन आपका क्या है, ईमेल का। ईमेल आपका क्या है, आपको पता है कि ईमेल हमारा किस प्रकार से काम करता है। ईमेल जो आपका एक बेसिकली सोशल नेटवर्किंग साइट आप कह सकते हैं, या फिर चैट करके कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं आप, बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम आपका किया जाता है, जो कि आपका ईमेल है। तो ईमेल इज ए सर्विस विच अलाउड टू सेंड मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से आप ओवर द इंटरनेट ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी कोने में आप वहां पे ईमेल को, अपने संदेश को भेज सकते हैं, जो कि टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, या कोई इमेज के रूप में हो सकता है, या फिर कोई अटैचमेंट उसके साथ लगाते हैं, जैसे कि पीडीएफ वगैरह, या कोई भी चीज आप भेजना चाहें वो उसके साथ आप सेंड कर सकते हैं। इट ऑफर्स एन एफिशिएंट, इन एक्सपेंसिव एंड रियल टाइम मीनिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। तो ये आपको बेसिकली इन एक्सपेंसिव यानी कि कोई भी खर्चा नहीं इसका होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आप अकाउंट बना के और किसी को भी यूजर आईडी लेके उसकी आप उसको ईमेल भेज सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका काम करता है। तो ऐसी दुनिया में जहां इलेक्ट्रॉनिक मेल दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, और यह ईमेल पते से विभिन्न भागों की समझ हासिल करने के लिए उपयोग आपका किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर बेसिकली किस प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं वो देखते हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे ईमेल एड्रेस की, उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है, ईमेल एड्रेस जो है आपका वो किन दो पार्टों को मिलकर बना है, यानी कि ईमेल एड्रेस जो बना है आपका दो यूनिक नेम, यानी कि जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो सभी का एकदम यूनिक होगा, जिससे कि सर्वर को उसको सर्च करने में, या जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो एक ही आदमी को सही आदमी को जाए, इसलिए आपका जो ईमेल एड्रेस होता है या वेबसाइट के डोमेन होते हैं, होस्टिंग होते हैं, उनको यूनिक नेम दिया जाता है। जिस प्रकार से हर कंप्यूटर या मोबाइल की एक यूनिक आपका मैक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, उसी प्रकार से। तो ईमेल इज जनरली ऑफ द फॉर्म यूजर नेम, यानी कि ये आपका दो चीजों से मिलकर बना है, एक आपका यूजर नेम होता है और एक आपका डोमेन नेम होता है। यानी कि यूजर नेम में क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें, जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो टेक वीडियो गुरु, तो टेक वीडियो गुरु हमने क्या नाम डाला, आप अपना नाम डाल सकते हैं। तो ये आपका यूजर नेम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये आपका हो जाएगा यूजर नेम, और ये एट द रेट का सिंह आएगा, और उसके बाद gmail.com, yahoo.com, या फिर कोई भी .com आके हो आपका, जो आपको प्रोवाइड कराती हो ईमेल की सर्विस xyz जो भी हो, तो ये आपका कहलाएगा क्या, डोमेन नेम, जहाँ पे ये होस्टिंग अपलोड होती है। यहाँ पे आप gmail.com डालते हैं, उसके बाद आप जाके ईमेल वगैरह भेजते हैं, लेकिन जो gmail.com है वो आपकी सर्वर है, होस्टिंग है, जहाँ पे आप ईमेल को यूज करते हैं। ये आपका यूजर नेम हो गया और ये आपका डोमेन नेम हो गया। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा गया है।
तो द यूजर नेम एंड डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय एट द रेट सिंबल, यानी कि दोनों को सेपरेट करने के लिए, जिससे कि वो समझ में आए, वहां पे हम लोग यूज करते हैं एक आपका एट द रेट सिंबल का। ईमेल एड्रेस जो होता है आर नॉट केन सेंसिटिव, यानी कि आपका केन सेंसिटिव नहीं होता है, इसको आप लिख सकते हैं दोनों फॉर्म में। और स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन ईमेल एड्रेस, यानी कि स्पेस आपका अलाउड नहीं होता है, तो ये जो ध्यान रखें। आगे चलते हैं, तो ईमेल आर नॉट अलाउड इन ईमेल, यानी कि ईमेल एड्रेस आपको स्पेस है जिसमें अलाउड नहीं होता है। ईमेल जब आप बनाएंगे तो आप उसमें स्पेस आपको नहीं देना होता है, ये जरूर आप उस बात का ध्यान रखें। आगे चलते हैं, ईमेल मैसेज कंपोनेंट, ईमेल मैसेज में आपके कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल मैसेज कंपायर्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, यानी कि ईमेल का हेडर होगा, उसमें ग्रीटिंग्स होंगे, टेक्स्ट होंगे, सिग्नेचर होंगे, तो दीज आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं ईमेल एड्रेस को जनरेट करने के लिए। तो एक इस प्रकार का जब आप ईमेल भेजते हैं किसी को जवाब जीमेल पे, तो आप इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले आपका ईमेल का हेडर होता है, जहाँ पे आपका क्या लिखते हैं, कहाँ का वो ईमेल है, फ्रॉम, और कहाँ को आपको भेजना है, कहाँ से आप भेज रहे हैं, उसकी तारीख होती है, सब्जेक्ट होता है, और सीसी यानी कि जो उनकी वेबसाइट वगैरह या कुछ भी हो वो आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया ईमेल का हेडर, ये जो आपको बॉक्स कहलाएगा वो ईमेल का हेडर। अभी हम आपको लाइव दिखा देंगे खोल के। उसके बाद है आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आप अपना मैसेज वगैरह लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रीटिंग, ये हाय हेलो जो भी आप हो गया वो ग्रीटिंग हो गया। उसके बाद आपका पूरा टेक्स्ट होता है यहाँ पे जो आपको मैसेज भेजना होता है। उसके बाद आपका नीचे बॉडी होती है, सबसे नीचे वहाँ पे आपका जो होता है वो होता है सिग्नेचर, यानी कि वहाँ पे अपना नाम वगैरह जो बिजनेस लोग करते हैं वो लोग डालते हैं। आप भी देखते होंगे जब हमारा ईमेल आपके पास पहुँचता होगा तो वहाँ पे आपको कुछ नीचे हमारा एड्रेस, लिंक्स और फोटो वगैरह, लोगो वगैरह आपको प्रोवाइड होता होगा, तो उसको कहते हैं सिग्नेचर। तो सिग्नेचर वही आपका कहलाता है, आपका एड्रेस वगैरह, फोन नंबर हो, वो आपका सिग्नेचर कहलाता है। उसको भी आपको बता देंगे किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये पूरा ईमेल की बॉडी आपकी कहलाती है इस प्रकार से। इसको देखने के लिए आप अपना अकाउंट खोलें जीमेल का, मैं आपको बता दे रहा हूँ उस प्रकार से। gmail.com डालें, आपका अकाउंट लॉगिन होगा, वहाँ पे क्लिक करें न्यू के ऑप्शन पे, तो वहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो दिखाई देगी, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ खोल के। आपको सेम जो है इसी प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ईमेल, हेडर, टेक्स्ट और सभी चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको कंपोज ईमेल पे जाना है। कंपोज ईमेल पे जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको पूरा सेम उसी तरह से आपको हेडर हो गया, बॉडी हो गई और सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे सिग्नेचर को डाला हुआ है। जब भी आपके पास वीडियो हमारा ईमेल जाएगा तो ये सिग्नेचर आपके पास जाएगा। अब यहाँ पे रेसिपिएंट का नाम डालना है जो कि बीसी और सीसी के अंतर्गत आता है, जो भी जिसको आपको भेजना है वो डालें, यहाँ सब्जेक्ट डालें और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखें और सेंड पे क्लिक कर देंगे तो आपका मैसेज चला जाएगा। तो अब ये अपडेट वर्जन है, इस प्रकार से आपको इसमें इस प्रकार की बॉडी आपको दिखाई देगी। तो ये सेम वही चीज़ है आपका, फॉर्म, डेट और ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो वही चीज़ है ये। आप आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या है, ईमेल हेडर में आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे हेडर में फॉर्म मिलता है, डेट मिलती है, टू, सब्जेक्ट, सीसी और बीसीसी मिलता है। तो क्या क्या होता है समझ लें। फॉर्म का मतलब क्या है, द फॉर्म जो होता है फील्ड इंडिकेट करता है सेंडर एड्रेस, यानी कि जहाँ पे जहाँ से आपका ईमेल भेजा जा रहा है उसका नाम, जैसे कि हम आपको भेज रहे हैं तो हमारा एड्रेस वहाँ पे इंडिकेट करेगा, तो वो आपका फॉर्म कहलाएगा। उसके बाद डेट है, आप जिस डेट को भेज रहे हैं वो आपकी डेट वहाँ पे सबमिट होगी। उसके बाद टू जाएगा, यानी कि जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम जाएगा। सब्जेक्ट जो भी आप डालना चाहें, क्या है आपका, पेपर है, आंसर की है या कोई फोटो है, इमेज है, तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, इट इंक्लूड दोस रिसिपिएंट एड्रेस होम वी वॉन्ट टू कीप इन्फॉर्म बट नॉट एग्जैक्टली इंडिकेटेड रेसिपिएंट। तो ये आपका कार्बन कॉपी है, या आप अदर नाम भी उसमें डालना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी उसमें यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं ऐसे कार्बन कॉपी। उसके बाद बीसीसी, बीसीसी स्टैंड ऑफ ब्लैक कार्बन कॉपी, ये उसी की कार्बन कॉपी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, यहाँ पे आपको रेसिपिएंट पे जाएंगे तो आपको सीसीसी बीसीसी का ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार से आप ऐड करा सकते हैं, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके अब ओपन हो गए। उसके बाद आपका ग्रीटिंग है जो कि आप लिखते हैं मैसेज, उसका टेक्स्ट हो गया आपका, उसके बाद सिग्नेचर होगा जो कि आपका नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। तो ये हो गया आपका। उसका एडवांटेज इसमें क्या होते हैं, रिलायबल है, कन्वीनियंस है, स्पीड होती है आपकी, इनएक्सपेंसिव यानी खर्चीला नहीं है, प्रिंट आप कर सकते हैं, ग्लोबल है और जनरली है। तो ये सारे एडवांटेज आपके ईमेल के होते हैं। तो किस प्रकार से रिलायबल में मेनी ऑफ ईमेल नोटिफाई सेंडर आप कर सकते हैं, अनडिलीवर्ड जो आपके हैं, कन्वीनियंस है, स्पीड आपको वेरी फास्ट मिलती है, चाहे नेटवर्क स्लो हो चाहे फास्ट हो, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें आप इसमें। डिसएडवांटेज क्या है आपका, फॉर गैरी है, ओवरलोड इसमें आपका हो सकता है, जंक मैसेज आते हैं, नो रिस्पॉन्स आता है और मिस डायरेक्शन का इसमें यूज़ काफ़ी लोग करते हैं।
ये सब चीजें इसके जो है जिसको कहते हैं हम लोग डिसएडवांटेज कह सकते हैं ईमेल के। उसके बाद ईमेल ऑपरेशन किस प्रकार से करता है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है जीमेल को क्रिएट करना, यानी कि ईमेल है, जीमेल हो गया, हॉटमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल जो आपके अकाउंट है, इनको किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। तो मैं आपको सिंपल सा जीमेल बताऊंगा किस प्रकार से आप क्रिएट करते हैं। अगर आप कर चुके हैं अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो इसमें मैंने पूरी पीडीएफ डाल के रखी है, इस पीडीएफ को परचेस कर ले, 200 रुपये में ये पीडीएफ नहीं मिलेगी। काफी लोग मुझको 200 पेमेंट किए हैं, तो 200 नहीं है, 200 आपके ओल्ड वाले के लिए, उसमें इतना सिलेबस नहीं है, इसके लिए आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा। तो अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ओपन gmail.com एंड क्रिएट, क्लिक न्यू अकाउंट पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से। आप पहले गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिखिए जीमेल, जीमेल साइन अप लिख दीजिए, जीमेल साइन अप लिख देंगे तो यहाँ पे क्रिएट और अकाउंट आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे अपना आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, लास्ट नेम, यूजर आईडी जो यहाँ से जनरेट होके आएगी, और पासवर्ड, और नेक्स्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका पासवर्ड वगैरह, ये सारी चीज आप जब डाल देंगे तो आपका एक जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। किस प्रकार से होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे, आप गए यहाँ पे, उसके बाद आपने मान लीजिए नाउन डाला राहुल कल्होत्रा, तो आपको एक यूजर आईडी, यूनिक आईडी मिली, जो कि आप सबको भेजेंगे जब आपको ईमेल भेजेगा, वो आपको क्या बन के मिली, राहुल कल्होत्रा 20@gmail.com। तो ये आपकी ईमेल एड्रेस बन के आपको जीमेल के द्वारा मिली। उसके बाद अपना पासवर्ड आप डालेंगे यहाँ पे, कंफर्म करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे, ये सब कुछ करने के बाद कंटिन्यू नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो है जीमेल एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो डालने के बाद, वेरीफाई होने के बाद आपका जीमेल अकाउंट इस प्रकार से क्रिएट होके आपको रेडी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी अपना काम आप कर सकते हैं, वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आप भरते चले जाएं, नेक्स्ट करते हैं। मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा अकाउंट मेरे पास बने हुए हैं, इसलिए मैं इसको बनाऊंगा नहीं। आपको भी पता होगा किस प्रकार से बनाया जाता है, मैं आपके चैप्टर में, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने पीडीएफ में आपका डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको जीमेल जो है आपको प्रिंट होके मिल जाएगा, बन के आपको मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे उसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो हम जीमेल को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं, जीमेल को अगर आपको सेंड करना है, किसी को ईमेल भेजना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसका ईमेल एड्रेस आपको चाहिए होता है और सीसी बीसीसी रिक्वायर्ड होता है, अगर आपको जरूरत हो डालें, नहीं जरूरत है तो इसके बगैर भी आपका ईमेल चला जाएगा। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट देना होता है, ये भी आपको ऑप्शनल है, देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। उसका टेक्स्ट और सिग्नेचर भी आपको ऑप्शनली होता है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से सेंड करते हैं, तो इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले सेंडिंग का, तो आप जीमेल पे गए, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इस समय कंपोज का, इससे पहले आपको ऑप्शन अलग मिलता था। अब यहाँ पे आपको जिसको भी भेजना है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे इस प्रकार से लें। तो जैसे कि हमारे पास तमाम सारे ईमेल एड्रेस अवेलेबल हो रहे हैं, तो कोई हमने एक ईमेल एड्रेस लिया। आप सब्जेक्ट मान लीजिए इसमें हम क्या डाल रहे हैं, मान लीजिए हम डाल रहे हैं ओ लेवल रिजल्ट के रिकॉर्डिंग हम भेज रहे हैं इनको, तो हमने ओ लेवल रिजल्ट के लिए रिकॉर्डिंग भेज दिया। अब आपको जो भेजना है यू आर पास इन ओ लेवल एग्जाम, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भेजा, यू आर पास इन ओ लेवल एग्जाम, और ये हमने यहाँ पे सिग्नेचर अपना डाला, इसको आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेंड पे क्लिक कर देंगे तो ईमेल जो है वहाँ पे चला जाएगा। तो सिंपल सा तरीका होगा आपको एक ईमेल को भेजने का। उसके बाद है सक्सेसफुली आपको लिख के आ जाएगा, योर मैसेज इज भी सक्सेसफुली। अभी एक ईमेल मैं आपको अपनी आईडी पे भेज के दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से, जैसे यही ईमेल को भेजना है मेरे को, अपनी आईडी पे मैं भेज के आपको दिखाता हूँ। मैंने सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मैसेज लिख के आ जाएगा, मैसेज सेंड। तो इस प्रकार से आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका मैसेज जो है सक्सेसफुली सेंड हो गया है। उसके बाद क्या ऑप्शन है, रीडिंग ईमेल, अगर आपको ईमेल देखना है तो आपने जो भेजा हुआ है वो आपका ईमेल गया है कि नहीं गया है वो आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सेंड ईमेल का, आप उस पर जाके देख सकते हैं जो आपने सेंड किया है, सेंड पे जाएं, और अभी आपने जो भेजा है वो ईमेल यहाँ पे है, यू आर पास इन एग्जाम, आप देख सकते हैं जो आपने भेजा था वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद है आपका इसमें कि रिप्लाई करना है, अगर आपको रिप्लाई करना है किसी ईमेल आपके पास आया है, तो मान लीजिए जैसे कि ये दिनेश कुमार जी का मेरे पास ईमेल आया है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनका है वैलिडेट करने के लिए, अब इनको हम रिप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बटन मिलेगी रिप्लाई करने की, इस पर क्लिक करें, तो जैसे कि इनका सर्टिफिकेट आया, मैं आपको देख रहा हूँ ओके आई विल वेरीफाई ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, ये हमने लिख के इनको
सेंड पर क्लिक कर देंगे तो आपका रिप्लाई जो है उनके पास चला जाएगा। तो इस प्रकार से रिप्लाई करते हैं। उसके बाद है फॉरवर्ड करना है, अगर आपको किसी अदर को फॉरवर्ड करना है यही ईमेल तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो मान लीजिए मैं जैसे कि मैंने मैसेज भेजा था अभी, उसी पे हम चलते हैं। तो ये है मैसेज, इसको हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं यहीं से। तो यहाँ पे जो यही मैसेज आपको किसी और को फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पे आप उनका ईमेल एड्रेस डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, फिर से यही मैसेज उनके पास चला जाएगा। तो ये मैसेज दोबारा से चला गया उसी ईमेल एड्रेस पर, या किसी और को डालेंगे तो वहाँ पर उनको चला जाएगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड और ईमेल का। डिलीट करना है ईमेल को किस प्रकार से करेंगे, तो मान लीजिए आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है, जिसे सिंपल सा क्लिक कर देंगे आपका डिलीट हो जाएगा। या यहाँ से डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करें, यहाँ से भी आप डिलीट इसको कर सकते हैं। जो भी आप मैसेज डिलीट करना चाहें यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप जाकर डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से डिलीट हो जाएगा। और डिलीट हुआ मैसेज भी आपका मैसेज जो कहाँ जाता है वो आपका ट्रैश फोल्डर में जाता है। नीचे जाएंगे यहाँ पे जो आपने डिलीट किया होता है वो यहाँ पे चला जाता है, यहाँ से आप उसको फिर से बैकवर्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके ईमेल के फीचर्स हैं। और उसमें और देख लेते हैं, जैसे कि अटैचमेंट है, एड्रेस बुक है। तो अटैचमेंट क्या होता है, मान लीजिए आप ईमेल भेज रहे हैं और आपको कोई, जैसे कि मैं अभी एक ईमेल भेज के दिखाता हूँ आपको, ट्रिपल सी हाय, और ये अटैचमेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे इमेज, फोटो, वीडियो जो भी आप भेजना चाहते हैं वो यहाँ से अटैच कर लें इस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो कोई भी एक फोटो ले लेते हैं, जैसे लिब्रा ऑफिस की है तो मैंने ले ली फोटो, और ये आपकी फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और यहाँ से आप सेंड पे क्लिक कर देंगे तो वो फोटो उनके पास चली जाएगी। पीडीएफ होगी, फोटो होगी, आप यहीं से अटैच करके यहाँ पे अटैचमेंट फाइल के ऑप्शन पर जाके सेंड कर सकते हैं, या यहाँ से फोटो ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से गूगल ड्राइव के आपकी कोई फोटो पड़ी वहां से ले सकते हैं, इमोजी डाल सकते हैं, और फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। जो आपका टेक्स्ट वगैरह, जैसे मान लीजिए आपने हेलो लिखा हाई, तो हाई जो आपका बड़ा हो गया, स्मॉल करना चाहते हैं वो स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। उसके बाद है MIME टाइप है, इसमें आप जैसे कि MIME ऑडियो वीडियो ये सारी चीज़ें इसमें कौन कौन सी फाइलें इसमें भेज सकते हैं। इमेज हो गया, मॉडल हो गया, कोई टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गई, इसमें आपके सारे फॉर्मेट जो है यहाँ सपोर्ट करते हैं वो दिखाया गया है, कौन कौन सी फाइल और एक्सटेंशन उसमें सपोर्ट करता है। उसके बाद ईमेल की सिक्योरिटी के लिए आपके पास पास क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। ईमेल हैकिंग के लिए स्पैम मिलता है, वायरस और फिशिंग, ये तीन चीज़ आपके कंप्यूटर में ज़्यादा आती हैं। तो स्पैम फोल्डर जो यहाँ पे होता है उसको बिना समझे जाओ मतलब का नहीं है तो उसको ओपन ना करें। जैसे कि स्पैम फोल्डर में गए तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पैम फोल्डर सब डिलीट मार देता हूँ, तो आप भी डिलीट कर दिया करें अगर आपको मतलब का नहीं है। तो स्पैम में सारे लगभग आपके वायरस और फेक ईमेल्स होते हैं। तो ये हो गया आपका। और क्या इसमें ब्लॉक करना है ईमेल को तो ब्लॉक भी कर सकते हैं, क्लीनिंग करना है क्लीनिंग कर सकते हैं, और ये तमाम तरह के ईमेल है यहाँ पे एड्रेस है जो कि आप हम लोग यूज़ करते हैं, inbox.com, shortmail.com, gmx.com, mail.com, तमाम तरह के ईमेल हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो हम लोग जीमेल में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जीमेल में इतने ही टॉपिक है आपका है। और सिग्नेचर वगैरह कैसे डालते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग पे जाएं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं सिग्नेचर अगर डालना है आपका एड्रेस वगैरह तो वो किस प्रकार से आप डाल सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने डाला हुआ है, हाँ। तो ये जनरल सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे, सिग्नेचर यहाँ पे आप जो भी सिग्नेचर डालना चाहते हैं, इमेज, लोगो, जो भी चाहे जाएंगे वो यहाँ पे लिख दें तो आपके हर ईमेल के साथ वो आपका मैसेज चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे सिग्नेचर को डाल सकते हैं। बाकी सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, आप जीमेल चलाना जानते ही हैं। फिर भी अगर जीमेल के बारे में कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपके यूट्यूब के मैसेज आते हैं, अगर आपका यूट्यूब का लिंक या फेसबुक का है वो सारे लिंक्स आपको यहीं पे अपडेट होकर मिलेंगे। एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके बल्क में आप एक बार में 100 मैसेज को डिलीट या सिलेक्ट कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं, और स्टार भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दोबारा बाद में देखना है कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज तो आप स्टार पर क्लिक कर देंगे, या आपको कोई मैसेज सर्च करना है यहाँ पे तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ओ लेवल, मान लीजिए आपका डोए को लेवल के सर्टिफिकेट हैं कुछ, तो आप इस प्रकार से उनको सर्च कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर फाइल को सर्च करने के लिए इसका यूज करें आप। जो आपके स्टार वाले होंगे वो आपके स्टार वाले यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग आपको सारे ऑप्शन बहुत ही सिंपल वे में मिलते हैं। तो इतना ही आपके टॉपिक में है बेसिकली जीमेल में, जो कि मैंने आपको बता दिया, सर्चिंग करना, ईमेल करना, सिग्नेचर डालना, अटैचमेंट करना। तो इतना ही चीज़ था, मैंने आपको सारे ऑप्शन समझा दिए।
आगे चलते हैं। इसमें आगे आपका है जो टॉपिक है वो है लर्न मोर अबाउट द पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, इसके बारे में उसको आशा करते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ इसके पॉइंट हैं वो आप देख लें जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं। तो सोशल नेटवर्क की सेवाएं उन लोगों की ऑनलाइन कम्युनिटी होती है जो लोग अपनी इच्छा व पसंद की गतिविधियों को शेयर करना चाहते हैं और एक दूसरों की इच्छा व पसंद के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। ज्यादातर सोशल नेटवर्किंग सेवाएं जो है इंटरनेट पर आधारित होती हैं एवं ईमेल या इंटेंट मैसेज के द्वारा यूजर को आपस में इंटरेक्ट करने की सुविधा आपको प्रदान करती है। तो यहाँ पे कुछ मुख्य आपके जो सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे कि फेसबुक हो गया, माई स्केप हो गया, और यहाँ पे तमाम तरह के आप लोगों देख रहे हैं जैसे कि ट्विटर हो गया, वी चैट हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, बायदू, स्काइप, वाइबर, लाइन, सेना, आपका स्नैपचैट, लिंक्डइन, टेलीग्राम, रेडिट और त्रिंगा, रन रैन, टैगेट और बदबू आदि जो है आपकी बदू, इस प्रकार की जो आपकी ये सारी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट आपकी कहलाती है। तो इसके एडवांटेज क्या है सोशल नेटवर्किंग के, या लोगों को आपस में जोड़ने व उनसे कनेक्ट करने के लिए आपका कार्य करती है, जिससे आप अपने विचारों का आदान प्रदान पिक्चर या वीडियो जो आप हो शेयर कर सकते हैं, और विद्यार्थियों को आपस में मेल जोल के लाभदायक आपको प्रदान करती है, और यह विद्यार्थियों को क्रिएटिविटी बढ़ाने में मदद करती है, और यह सेवा संसार के किसी भाग में चलाई जा सकती है, और यह विद्यार्थियों को अपने अध्यापक व मित्रों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपकी मदद करती है, और यह सेवाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं अपितु इसके द्वारा हम कैंपस लाइफ की सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी इसके द्वारा इंटरप्रेन्योर एवं कॉरपोरेट व्यक्तियों को भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और यह जो सेवाएं होती है मार्केटिंग करने के काम आती है। यहाँ पर अन्य वेबसाइटों के विज्ञापन भी प्रदर्शित होते हैं। तो आपने फेसबुक पर देखा होगा तमाम तरह के वीडियो आते हैं, एड्स आते हैं, तो वो सारा काम इसमें मार्केटिंग का आपका होता है, जिसके कारण से ये इसका एक एडवांटेज आपका माना जाता है कि आप इसमें तमाम तरह के काम कर सकते हैं अगर आप अच्छे कार्य के लिए यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज वही सिंपल सा है, अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे, देर रात तक 24 घंटे उसी में यूज़ करते रहेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल हानिकारक है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी आंखों के लिए और आपके दिमाग के लिए। तो कम यूज़ करें, अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करें, तो आप उसमें बिजनेस कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो कुछ विद्यार्थी इन साइटों पर फोन नंबर पता डाल देते हैं जो एक खतरा साबित हो सकता है, तो अपना इसमें ये सब काम ना करें। उसके बाद है वेबसाइट और ब्लॉग में अंतर क्या होता है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें इसके बाद पहले सिलेबस चलते हैं, वहां पर टॉपिक देखते हैं क्या हमारे पास है। उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग के बाद हमारे पास ई कॉमर्स क्या होता है, तो ई कॉमर्स देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसी पीडीएफ में अवेलेबल है, मैंने डाल दिया आपकी हिंदी वाले पीडीएफ में, तो चलिए उसको देखते हैं ओपन करके। ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स आपका क्या होता है, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है जो कि सिंपल सा आपका है, जो कि आपका एक प्रकार से बिजनेस है जो कि आप ऑनलाइन हम लोग करते हैं, जिसको कहते हैं ई कॉमर्स। आपका जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए एक संक्षिप्त नाम है, और यह सामान और सेवाओं की खरीद और बिक्री या फंड या डेटा का जो संचरण आपका इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से करते हैं, जिसको कि हम लोग ये आपका जो है यहाँ पे हमने जो दिया है ये आपका जो है वो गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है, हमको पढ़ना है ई आपका जो है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स आपका ये नहीं है। हाँ, तो हम लोगों को ई कॉमर्स पढ़ना है, इसमें टॉपिक नहीं डाला मैंने पीडीएफ में, हो सकता है इंग्लिश वाले पीडीएफ में हो या इसमें भी होगा आपका, नीचे कहीं आपका दिया होगा, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले आपको बताते हैं जो उसके बारे में है। तो ई कॉमर्स जो है आपका, इसमें दो प्रकार के व्यवसाय काम करते हैं, एक होता है आपका B2B और दूसरा होता है आपका B2C, जो कि व्यवसाय से उपभोक्ता, और दूसरा होता है उपभोक्ता या उपभोक्ता से व्यवसाय के रूप में आपके ये काम करते हैं ई कॉमर्स। और जो आपके जैसे कि आपके फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, ये आपके जो है ई कॉमर्स आपके बिजनेस कहलाते हैं, जो कि 1960 से दशक से आपके ये चलते आ रहे हैं, तो ये आपका होगा ई कॉमर्स। उसके बाद फेसबुक क्या है आपको पता ही है, फेसबुक के बारे में क्या मुझको बताने की जरूरत है, मेरे अनुमान से नहीं, तो मैंने तब भी छोटे टॉपिक आपको डाल दिए कि व्हाट्सएप आपका क्या होता है। व्हाट्सएप जो है आपका फेसबुक के द्वारा 2014 में आपका ऐड कर दिया गया, यानी कि व्हाट्सएप फेसबुक आपका सब एक ही हो गया, इस समय एक ही कंपनी के आप उसमें अंतर्गत यूज करते हैं। उसके बाद आपका इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम आपका क्या है वो भी आप जानते ही हैं, ट्विटर आपका क्या है, टेलीग्राम क्या है, सब मैंने आपको इसमें डाल दिया। उसके बाद ई गवर्नेंस है जो कि मैंने आपको बताया अभी, ई गवर्नेंस आपका क्या होता है वो मैंने हिंदी वाली पीडीएफ में आपको अच्छे से समझा दिया, तो उसको आप देखें जरूर, आपको वो हेल्प करेगा।
मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको ई गवर्नेंस आपका क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के माध्यम से आप उसको इंटरकनेक्शन करते हैं बेसिकली। तो ई गवर्नेंस चार प्रकार के होते हैं यहाँ पे, जी टू जी यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंतर्गत, जी टू सी गवर्नमेंट टू सिटीजन, और जी टू बी गवर्नमेंट टू बिजनेस, और जी टू ई गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो इसके चार चरण आपके इसमें होते हैं। पहला है कंप्यूटरीकरण है, दूसरा नेटवर्किंग के माध्यम से है, ऑनलाइन है आपका, और ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी है। तो इस प्रकार से आपका जो है वो काम करता है। इसके लाभ क्या होते हैं? ई गवर्नमेंस जो है शासन में तो सुधार और जो संचार और सूचना को प्रौद्योगिकी में आपको बढ़ावा देता है, यानी सक्षम आपको करता है। तो जो कि आपकी कुछ साइटें अवेलेबल हैं, india.government.in और eci.nic.in, जो आपके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जो कि आपकी ई गवर्नमेंस साइट आपकी कहलाती है। आगे चलते हैं। तो इसमें आपका फेसबुक है, अकाउंट बनाना है, सारे के अकाउंट बनाना है, तो क्या मैं उसको इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं। फेसबुक पे अकाउंट बनाना आपको सभी को आता होगा। फेसबुक को आप जाएं, फेसबुक लिखें यहाँ पे, आप अपना आराम से फेसबुक साइन अप आप लिखें यहाँ पे, फेसबुक साइन अप इस प्रकार से, तो आपको फेसबुक साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर जाके अपना फेसबुक अकाउंट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएं और अपना अकाउंट को क्रिएट करें, जैसे कि आपका जीमेल का होता है उसी प्रकार से है। तो उसको मैं बताने वाला नहीं कि आपको ये सभी को मालूम है किस प्रकार से इसको क्रिएट किया जाता है। तो आप इसको फेसबुक का अकाउंट हो गया, लिंक्डइन का अकाउंट हो गया, इंस्टाग्राम का अकाउंट हो गया, इसको किस प्रकार से क्रिएट करना है आप इसको कर सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। तो है ब्लॉग क्या होता है, जो कि मैंने आपका इसमें डाला हुआ है। वेबसाइट और ब्लॉग में अंतर क्या है? तो वेबसाइट आपकी क्या है, ब्लॉग क्या है? वेबसाइट और ब्लॉग कुछ कुछ समान ही होते हैं आपके, लेकिन उनके बीच कुछ बहुत कम अंतर है, लेकिन दोनों ही जो आपके हैं वो भिन्न होते हैं। यानी कि वेबसाइट और ब्लॉग के बीच मुख्य अंतर यह है कि ब्लॉग है आपका अधिक इंटरेक्टिव होता है, जबकि वेबसाइट स्टैटिक या डायनेमिक होती है। जैसे कि ब्लॉग आपका blogspot.com ये आपका ब्लॉगर हो गया, और स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए हम लोग जैसे कि कुछ जो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर या वेबसाइट डोमेन प्रोवाइड कंपनी है उनको यूज करते हैं, जिसमें कि हम एचटीएमएल प्रोग्रामिंग वगैरह यूज करते हैं। तो सरल शब्दों में सभी जो ब्लॉग हैं वो एक वेबसाइट या एक वेबसाइट का हिस्सा आपके होते हैं। तो जैसे कि फंडामेंटल इकाई, ऑर्डर कमेंट हो गया, वेबसाइट के अंदर ये सारा काम हम लोग करते हैं। वेबसाइट की परिभाषा क्या है? वेबसाइट वेब पेजों का समूह है जिसे इंटरनेट पर किसी स्थान पर रखा जाता है, और जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें जो भी जानकारी होती है वो आपके सामने सबसे पहले आ जाती है। वही आपका ब्लॉग है। तो तकनीकी अर्थ में ब्लॉग भी एक प्रकार की वेबसाइट होती है, या एक ओपन सोर्स कंटेंट होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी इसको बना के अपने डेटा को वहां पे लिख सकता है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स जो होते हैं वो आपको कम मिलते हैं, जैसे कि blogger.com, typepad.com, wordpress.org, ये आपके कुछ ब्लॉगर्स हैं जिसके माध्यम से आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपका हो गया। उसके बाद ई गवर्नमेंस भी मैंने इसमें डाल दिया हिंदी में, आप इसको जब परचेस करेंगे तो आप इसको बाई कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स आपका क्या, मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसमें आपके क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में, मोड में आपके बी टू बी जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस है, और बी टू सी हो गया आपका बिजनेस टू कस्टमर, सी टू बी होगा कस्टमर टू बिजनेस, सी टू सी हो गया कस्टमर टू कस्टमर। तो ये कुछ इसके पार्ट हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट इसमें आपका इतने ही टॉपिक है, इंटरनेट बता दिया मैंने, ई कॉमर्स बता दिया आपका, फेसबुक ट्विटर ये सब बता दिया आपको, इंट्रोडक्शन तो ब्लॉग बता दिया, ई कॉमर्स बता दिया, नेटिक्यूट है इसमें आपका एक टॉपिक, तो इसमें आपको दिया जरूर होगा, आप इसको उठाकर देखें। अब इसमें कुछ नई चीजें जैसे कि ओटीपी क्या होता है, ये आपका किस टॉपिक के अंतर्गत आएगा, तो पीडीएफ आप देखेंगे तो इसमें आपको नीचे लिखा गया है। ये आपका जो है कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए गए, जैसे कि ई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है उनके बारे में दिया गया, जैसे कि आपकी रेलवे रिजर्वेशन है, पासपोर्ट सेवा है, ये सारी जो है आपकी ओआरएस हो गई, ई गवर्नमेंट सर्विसिंग, उमंग ऐप हो गई, आपके डिजिटल लॉकर हो गई, ये सारी आपकी किसके अंतर्गत आती है, आपकी ई गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें इंडियन रेलवे जो आप उसमें अकाउंट बनाते हैं वहां पे अपना जैसे IRCTC मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इस प्रकार की जो आपकी वेबसाइट है इस पे आप अकाउंट बना के अपनी टिकट वगैरह को बुक कर सकते हैं। तो ये भी आपकी ई गवर्नेंस की वेबसाइट है। उसके बाद आपकी उमंग हो गई, आपकी पासपोर्ट सेवा है, ये सारी वेबसाइट को आप यूज कर सकते हैं और इसमें अपना अकाउंट बना के इसकी सर्विसेज को ले सकते हैं। तो यही है बेसिकली टॉपिक में आपका थ्योरी बेस है, आप अपने आप इसमें लिख सकते हैं, पीडीएफ परचेस कर लें, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, आपको सारी चीज़ें इसमें लगभग पता ही होगी। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दें। आपका टॉपिक यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं, इसमें लगभग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है।